आजा 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 बगड़ बिल्ले चर्च ना काफी सारी है। जी गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अपना शावर हो चुका है और एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और अभी मैं ट्रक स्टॉप पे रुका हूँ। यहाँ पे ये पायलट की ट्रक स्टॉप है, क्योंकि अपने पास पॉइंट होते हैं, मैं तेल मोस्टली यहीं से डलवाता हूँ। तो रात बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और नींद भी आ गई थी अपने को, तो इसलिए मैं रात यहीं पे रुक गया था। और मैं इस टाइम हूँ बर्मिंगम के पास। बर्मिंगम और अटलांटा के बीच में है ये सिटी। मैं यहाँ पे हूँ और एक बाहर का नज़ारा दिखाऊँ आपको मैं कैसे आज का। ये नज़ारा कल से हो रखा है, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो देखो खड़ा अपना शेर खान। मैं तो ऑलमोस्ट बाहर निकल गया था, मैं क्या फिर बाद में याद आया, ओहो तेरे को दूध भी लेना, दूध ख़त्म रखा अपने पास, क्योंकि चाय भी ज़रूरी है ना, सुबह की चाय नहीं मैं मिस कर सकता। ठीक है, वो कहते हैं ना बूस्टअप करना शरीर को, तो इसी से होता है वो। ये ऐसा दूध पीते हम जिसकी एक्सपायरी डेट 10वें महीने की 7 तारीख और 2024 में ख़त्म होनी है। अब आप हिसाब लगा लो। अपने को जंग जीतनी है, बारिश हो रखी है और भागो, ये भागो। बंदा स्पेशल आया रोटी और चाह लेगा। ए तेरे क्या बात है, चाय पीनी किसी का दिल हो चाय पीने का। देख रहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, नहीं सच में क्या वो स्वाद बनावा का। हम दिल से बनाते हैं। दिल से बनाते हो? दिल से करो। क्या बात है क्या बात है। ला बिटर काला की चाय आया, आज जिसने पीनी हो भाई हो गया के उबाले इसमें ਕਦੇ ਕੰਮ ਆਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਣ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਣ ਬੜੀ ਆਤਰੋ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਜੇ ਬਣੀ ਆ ਬਦੀ ਬਾ ਕੁੱਲੜ ਗਈ ਦੇ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕੜ ਜਾ। ਲੈ ਜੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਯਹਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਾ ਕੰਮ ਆਵਾਗੀ। देख रहे हो पांडे जी दूर दूर तक का नजारा, क्या ही जबरदस्त है। ये देखो थोड़ा और जूम करो, ये देखो क्या नजारा है। वेलकम टू नॉर्थ कैरोलिना, जस्ट अभी एंटर हुए हूँ मैं और यहाँ ये रेस्ट एरिया का यहाँ पे रुका हूँ। तो ऐसा कुछ इनका रेस्ट एरिया है, काफ़ी दूर तक है। इस साइड गाड़ियों का है, उस साइड पीछे ट्रक का है पार्क करने के लिए। 1959 से लेके 2022, तो ये पूरे जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है ना, सब के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं किस सन में किसकी डेथ हुई है। चलो जी चलते हैं अब खुलजा सिमसेम। और ये देखिए यहाँ का नॉर्थ कैरोलिना, ये कटिंग बना रखी है जो ये स्टेट का जो नक्शा है ना, ये ऐसा है। शुक्र है परमात्मा का, परमात्मा ने सुनी। पूरे 4 दिन बाद अब बारिश रुकी है यहाँ पे आ गया। 70 की स्पीड लिमिट है, 65 की सेफ है, अब चलेंगे हम 72 की स्पीड में। पहुंचने वाले हैं कल सुबह, अपना लोड उतरेगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं हम। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। वैसे ना मानो या ना मानो, लोकल के अंदर ना जो इंटरस्टेट के अंदर है का जो लोकल रूट है ना इनके अमेरिका के अंदर,
जो सिंगल रूट भी है, इतने मजेदार है ना, क्या गजब लग रही चर्च देखो, है ना। और यहाँ ये चर्च ना काफी सारी है एक ही शहर के अंदर। यार क्या ही गजब रास्ते हैं, मतलब इतना मजा आ रहा है ना, मेरे पास तो माइल ही पांच रह गई जहां मेरे को लोड उतारना है, नहीं तो ना मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं चलता जाऊं तीन चार घंटे और ड्राइव कर लूं। बेशक शहर छोटा है, गांव छोटा है, पर सौ कवल्ले हैं, ये देखो पूरा क्रिसमस पे सजा रखा है इन्होंने। और ये यहाँ का डाउनटाउन है ये देखो, मतलब छोटे शहरों में ना ये गजब की चीज है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये देखो क्रिसमस बना रखा है, मतलब वो ट्री सजा रखे इन्होंने, दो तीन ट्री सजा रखे इन्होंने यहाँ पे, और लाइटिंग के साथ। और वो देखो टंकी के ऊपर लाइट लगा रखी है भाई, टंकी के ऊपर सुनसान राहों में अकेले हम हैं और ये सड़क है। ये भी क्लोल आज होनी थी, यो देखो यो नेविगेशन ट्रक वाला बता रहा 1.8 माइल बाद जहां मैंने पहुंचना, और यही यो बता रहा देखो फोन वाला 16 माइल। अब बताओ किसकी मानना, जल्दी सलाह दो, कमेंट सेक्शन भर दो। वो कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाए भाई, पर मैं तो कह ही रहा था मैं कि एक घंटा एक दो घंटा और ड्राइव करने को मिल जाए अगर मेरे को, और ये देखो पहले एड्रेस इसने गलत उठा रखा था, अब सही है, 13 माइल और चलना पड़ेगा जी अपने को आगे, और एक छोटा सा गांव और आ गया फिर दोबारा से, एक और घर आया, इन्हें भी सजा रखा अपना पूरा। और एक छोटा सा गांव आया जी, और ये पुलिस वाले रेड पे फिर रहे हैं जी। और छोटी से अब ये बड़ी सिटी में हम एंटर कर चुके, वो देखो मामा खड़ा सामने, आपा ने बुलाया अपना तेरा क्या मेल, अरे चल भाई इससे ज्यादा ग्रीन नहीं होने वाली है, ये लास्ट है ग्रीन का भी, फिर कलर ही चेंज हो जाएगा नहीं तो। वैसे तो भूख लगी हुई है वेफल हाउस पर, पता नहीं इनके पास यहाँ ट्रक पार्किंग है ना, ट्रक पार्किंग नहीं। और फाइनली अपने को अब चढ़ना है जी 95 साउथ पे, चलो जी चलते हैं अपना ये एल्ड है यहाँ पे, इस कंपनी में अपने को लोड उतारना है भैया जी। ये लिखा हुआ है शिपिंग एंड रिसीविंग ऑफिस, चल अब यहां से मुड़ना है अपने को, चल। और ये सामने खेत बिल्कुल खाली, देखते हैं अगर, वैसे तो ये बंद है मेरे को पता है, आज क्रिसमस है, क्रिसमस नाइट आज सब कुछ बंद है, बट सुबह इन्होंने खुल जाना है, तो काहे का तंग होना है भैया, यही लगा के सोएंगे इनकी पार्किंग में, इनकी पार्किंग कब काम आएगी। अब भैया ये कौन सी स्पीड है यार, 7.25 टू 9.90 विल बी इन्फोर्स्ड ओवरनाइट पार्किंग। ध्यान से देखो इस दरवाजे को, हमें सुबह यहीं पे आना है, यहीं पे आके अपने को चेक इन करानी है। आपको दिखाया ना जादुई दरवाजा, ध्यान रखना कल सुबह उसी में चेक इन होनी है अपनी। अब इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, और इंडिया वालों को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, और जो अच्छा लगा जो बुरा लगा उसको कमेंट भी कर दो, ठीक है जी। और फिर हम आपको मिलेंगे अब नए व्लॉग के साथ कल को या परसों को, अब तक जो ये व्लॉग आ रहे हैं ना ये आपको दो दिन के व्लॉग एक दिन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा, आइडिया लगा लिया होगा आपने, द
रात दिन है ना। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।